अभी तक जो है कोई समाधान सरकार की तरफ से नहीं निकला, क्या कहना चाहिएगा? कब तक डटे रहेगा? ठंड तो आज बढ़ गई है, क्या हो गया? बढ़ने दो, जितना ठंड बढ़ेगी उतना हमारा गेहूं की फसल अच्छी होगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा ना? क्यों भाई, हमारे तो हर बार पड़े ठंड, हम कौन सा हॉस्पिटल जावे? हॉस्पिटल जाएंगे एसी वाले, जो हराम की दलाली खाने वाले। किसान तो मेहनत करे और गाय का भैंस का दूध पीवे, हॉस्पिटल वो जाएंगे जो रामदेव का मूत पीते हो। साथ वाले किलर काम करे, कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। वो एक बार बम्बई में बैठा, अच्छा अंडर गोस्वामी नाम है, अच्छा देख सुना है, वो कह रहा अब प्रधानमंत्री पीएमओ मेरी जेब में, जज खरीद लूं, बचा क्या आया, बचा क्या आप, बचा क्या जनता, माफ नहीं। जब जज भी उसकी जेब में, पीएमओ भी उसकी जेब में, तो ऐसा मीडिया बस वहीं मरा रहा, हमारे दौरे ना आवे। सुप्रीम कोर्ट पे भी सवालिया निशान लगा दिया उस आदमी ने, आज सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा, जब उस पे भी उंगली उठा दी जज खरीद लूंगा। और अब तो जनता भी सवाल करने लगी है, क्या अर्णव को कैसे एक मिनट में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई? तो ये तो कुछ ना कुछ है, थूकता है भारत प्रोग्राम तो अभी भी जारी है ना, थूकता है भारत, पूछता भारत नहीं, थूकता है भारत उस पे, ऐसी पत्रकारिता पे, और जो उसे पत्रकार कहे मैं अब उस पे भी थूकना शुरू करूंगा। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है। तब भाई ने भी कहा कि किसान संबंध नहीं रहे, खाली जैसे बैठे, उनको पता नहीं क्यों बैठे हुए। नाच गाने वालों से हमें कोई संबंध नहीं, वो वही मुजरा करे जहाँ मुजरा करती है, संसद है, संसद में जाती है, तो संसद में मुजरा करे, हमारे पास क्यों आगे मुजरा कर रही, जब हम उसकी मुजरा देखना ही नहीं चाहते। इसलिए जो भी नजर में वो इसलिए नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है ये बात मैंने लिख के। अमित का ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि आपकी आय दुगनी होगी, आप चिंता ना करो। देखा, तीन साल पहले तो झांसा राम ने कही थी कि आय दुगनी होगी, तो सड़क पे आ गए, और आपका तड़ी पार ने कही है, तो इसका मतलब शमशान घाट में जाना ही पड़ेगा। झूठ है। कल तुमने देखा, कल एक वो आई थी वैक्सीन, मोदी जी ने वैक्सीन लॉन्च कर दी, मोदी जी ने है बनावे कोई मोदी कुछ काम हो मोदी है, कल को ऐसा ना हो सके, यो लू भी कह सके कि इस देश का असली बाप मैं ही हूँ। संबित पात्रा तो कहते हैं ना कि वो देश के बाप है, मतलब देखिए वो आरएसएस के बाप होंगे या संबित पात्रा के बाप होंगे, मारा तो बाप है नहीं, मारा तो एक ही बाप था, दूसरा कैसे हो सके, वो किसी को भी बाप बता देगा देश का। वरिष्ठ प्रवक्ता है तो वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे सिर पर चढ़ेगा, जूता हमारे पाँव में बता दिए। डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी है, खाल तार दूंगा, खाल हमारा बाप है, मोदी हमारा बाप है, प्रधानमंत्री हो सकता है, झांसा राम हो सकता है, आसाराम का भैया, हमारा बाप कैसे हो जाएगा? इतना गुस्सा आ रहा, अगर सामने मिल जाए जान से मार दूंगा। संबित पात्रा वही कहते हैं कि किसान संगठन राजनीति कर रहा है, आप पे आरोप लगा, तू क्या यहाँ मुजरा करना है? गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। मीडिया से इतनी नाराजगी कि मीडिया को भी बायकॉट कर दिया, जो नेशनल मीडिया सच्चा खबर तो आज तक जो आदमी अभी मीडिया की क्या करूं मैं, अभी तुमने देखा नहीं मीडिया, अन्ना गोस्वामी ने क्या करा, ऐसे मीडिया को यहाँ बुलावे, जो प्रधानमंत्री के पीएमओ को जेब में रखता हो है, जो आदमी जज को खरीद रहा हो, वो पत्रकार हो सकता है, वो दलाल अच्छा हो सकता है। आई एम सॉरी बाबू, पूछता है भारत में, वो पूछते हैं कि फंडिंग कहां से हो रहा है। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, अरे थूकता है भारत उस पे, पूछता भारत नहीं, थूकता है भारत। और फंडिंग हम भी पूछ रहे हैं, वो 40,000 करोड़ जो टीआरपी से आया, कहां गया वो, जजों को खरीदने में दिया क्या जमानत में? कुछ भी हमारा काम है, सरकार से लड़ाई है,
संसद से लड़ाई है और सरकार से लड़ेंगे, कानून वापस कराएंगे और तब घर जाएंगे।